तिलका मांझी थाना क्षेत्र के माउंट एसीसी के पास से बच्चे को स्कूल छोड़ने आई प्रियंका कुमारी से दो बदमाशों ने चाकू के बल पर कंगन, चैन, कान का नेकलेस और मंगलसूत्र लूटकर फरार हो गए। वही महिला बच्चे को छोड़ने सुबह स्कूल आई हुई थी। इसी क्रम में दो बदमाश महिला को चाकू सटाकर उसके पहने हुए जेवरात को लूट लिया और महिला को कहा कि वह हंसते रहे नहीं तो गोली मार देंगे। लूट की सारी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। वहीं मौके पर तिलका मांझी थाना पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। दिन दहाड़े व्यस्ततम इलाके में हुई लूट से लोगों में खौफ का माहौल है। वहीं लूटे गए जेवरात की कीमत 5 लाख से अधिक की बताई जा रही है। वहीं पूरे मामले पर अभी पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। था कि हम यहाँ रोके, रोक कर हमको धमकाने लगा कि तुम चुपचाप हंसते रहो और बोलते रहो मेरे साथ और ज़्यादा चलाके मत करना। तुम्हारा बेटा को किडनैप करने तुम्हारा देवर के साथ भी वो आता है बेटा, गोली मार देंगे, नहीं किडनैप करके चाकू मार देंगे। और सीसीटीवी में आ गया, एकदम साफ चेहरा आ गया। उसके बाद बोला चुपचाप चलो बच्चा छोड़ो, अब बाहर निकलना, अंदर कोई होशियारी मत करना, नहीं तो कभी ना कभी तुम्हारे बच्चा को जान मार देंगे। और हम जानते हैं कब कब वो आता है, किसके साथ आता है। हाथ में हथियार भी था क्या? एक चाकू था। क्या क्या उसके बाद? चैन था, कंगन था, मंगलसूत्र था और कान में बाली था। कितना का रुपया? बारी बारी था, 5-7 लाख से ज्यादा का, 5-6 लाख का था। बहुत पुराना, मम्मी के जमाने का था जी, बहुत पुराना था। प्रियंका से कहाँ से? वो पकड़ा जाएगा, एकदम साफ आ रहा है। तिलका मांझी थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ एक घटना सामने आई है, जिसमें वो बता रही है कि एक अनजान सा व्यक्ति उनसे उनके पीछे पीछे आता है और उनको बोलता है कि आप आगे चलती रहें, नहीं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं चाकू मार दूँगा। उसके बाद वो उनको लेके साथ में जाता है और एक दुकान पे कुछ ख़रीदारी करवाता है उनसे। उसके बाद उनको बोलता है कि आप अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ आइए और उसके बाद आइए। उसके बाद इनका कहना ऐसा आरोप है कि वो आते हैं तो वो इनके कंगन और कुछ जेवरात ले लेता है। इस पूरे घटनाक्रम की हम लोग जाँच करवा रहे हैं और उसमें SHO को भी लगाया गया है और SP साहब भी देख रहे हैं इस घटना को। फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है, जो व्यक्ति है उसकी पहचान कराने की पूरी कोशिश है। HD न्यूज़ के लिए भागलपुर से संजय कुमार की रिपोर्ट।